नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। खरौंधी से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। बजरमरवा के अशरफ अंसारी यूक्रेन में फंसा, माता पिता खरौंधी में चिंतित। अशरफ ने बताया यूक्रेन की स्थिति नाजुक। खरौंधी थाना क्षेत्र के खरौंधी बजरमरवा पंचायत निवासी अंसारी के पुत्र अशरफ अंसारी यूक्रेन के जिपुजिया सिटी में रहकर 4 साल से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। अशरफ अंसारी 10 सितंबर 2021 को यूक्रेन गया था। उसके बाद इदू अंसारी ने बताया कि लॉकडाउन में वह घर आ गया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अशरफ से लगातार बात हो रही है। गुरुवार को भी अपराह्न 3 बजे बात हुई है। बेटे ने बताया कि स्थिति काफी नाजुक है। अभी वो भारतीय दूतावास में है, यहाँ देश के अन्य लोग भी हैं। उनका टिकट 4 फरवरी को था, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने नहीं दिया गया। वहाँ की स्थिति के कारण वहाँ परिवार के लोग भी काफी चिंतित हैं। वहीं डेली न्यूज झारखंड से बातचीत करते हुए अशरफ अंसारी ने बताया कि यूक्रेन की स्थिति काफी नाजुक है। हम सभी लोग घर में बंद हैं, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सभी यूक्रेन में रह रहे अशरफ से बात हुई। उन्होंने बताया कि स्थिति नाजुक है। वह करीब 15 साथियों के साथ है। कुछ साथी एयरपोर्ट गए थे तो लौट कर नहीं आ पाए हैं। सभी साथी फंस गए हैं, वह चिंतित है। अशरफ अंसारी के पिता ने गढ़वा जिला प्रशासन से आधार कार्ड की फोटो देखकर अपने बेटे को भारत लाने के लिए आग्रह किया है। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, इंडिया आना चाह रहे हैं वा या वहाँ रहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग नहीं, नहीं, हमारे जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे सब लोगों ने हेल्पलाइन स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो भी जहाज है वो भी रेडी हो रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग कि हम लोग आ जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। अभी आप कहाँ पे हैं एग्जैक्टली? यूक्रेन में कहाँ, वहाँ की कैपिटल है वहाँ पे या कहीं किसी और सिटी में? ठीक है, हम लोग आप तो जो भी रिपोर्ट है डेटा हम लोग कलेक्ट करके हम लोग कलेक्टर के थ्रू हम लोग चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे। बट आई थिंक वहाँ का जो हमारे एम्बेसडर होंगे आप लोगों के कॉन्टेक्ट, आप लोगों ने उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? चलिए, आप एकदम परेशान मत होइए। कोई भी होगा तो आप तुरंत अपने पिताजी को बताइएगा। हम लोग ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग अगर वापस आना चाहेंगे तो हम लोग तुरंत बुला लेंगे। हम लोग अपने इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर थे उनके टच में भी है, हमारे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने यही बताया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दो दिन में पूरा प्लान होके हो जाए। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इतना ही बोलूँगा, आप एकदम सावधान रहिए और बच के रहिए, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कॉन्टेक्ट टच में रहिए, और हमारे फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, आप चाहे तो। कोई हेल्प चाहिए होगा तो हम लोगों को बताइएगा, हम लोग आपको आपका जो भी पूरा डेटा है हम लोग पहुँचा रहे हैं स्टेट के थ्रू, आपको चला जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परेशान मत होइए, हाँ बस अपने रूम में रहिए, आपको जो भी बेसिक एमिनिटीज है सब प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक, एटार स्पोर्ट्स गवर्नमेंट्स एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर अब आपके शहर गढ़वा में खेलकूद और फिटनेस के सभी ब्रांडेड आइटम, स्यून रेस ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स शू, हाफ पैंट, टी शर्ट, टाइटन, फास्टैग के चश्मे, सेंट जॉकी के लेडीज स्पोर्ट्स कपड़े, पिगम सल्स प्रोटीन सप्लीमेंट इत्यादि सभी सामानों पर 5-10% की छूट। खेलकूद के सामान का संपूर्ण दुकान शॉप नंबर 4 कृषि विज्ञान केंद्र रोड पिपरा कला गढ़वा। तो संपर्क करें प्रमोद चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर है 8969642519। धन्यवाद।
MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।